बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर दर्द होने पर बिना सोचे समझे डिस्प्रिन की दवाई खा लेते हैं। अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो आपके लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है। डिस्प्रिन लेने के बाद भले ही आपको तुरंत दर्द से राहत मिल जाता है, पर यह सेहत के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिस गोली को आप बिना सोचे समझे खा लेते हैं उसके दुष्परिणाम भी आपको जान लेने ज़रूरी हैं। तो चलिए आपको बता दें, डिस्प्रिन का ज़्यादा सेवन खून को पतला करता है, जिससे खून का गाढ़ापन कम हो जाता है, जिससे अगर कभी आपको चोट लगती है तो खून नहीं रुकता है और आपको खून की कमी की समस्या हो सकती है। डिस्प्रिन का लगातार सेवन एलर्जी का कारण बन सकता है, इससे स्किन पर लाल लाल चकत्ते होने लगते हैं, साथ ही होंठ, जीभ, गले में सूजन की समस्या भी हो सकती है। आगे बताएं तो अस्थमा के मरीजों के लिए तो डिस्प्रिन बेहद ही हानिकारक है और इससे उन्हें अस्थमा का अटैक भी आ सकता है। इसके अलावा डिस्प्रिन के उपयोग से आपको पेट में दर्द या फिर पेट में जलन भी हो सकती है और छाले होने की समस्या भी बढ़ जाती है। अगर आप भी सिर दर्द में डिस्प्रिन का सेवन करते हैं तो आज आपने इसके साइड इफ़ेक्ट भी जान लिए हैं। अब ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप इसका इस्तेमाल करते हैं या फिर इससे बचते हैं। क्यूरेन आयुर्वेदा से आरती की रिपोर्ट।